स्वतंत्रता दिवस वाले दिन पूर्वोत्तर में जबरदस्त हिंसा भड़क गई है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के आवास पर पेट्रोल बम फेंके गए। हालांकि उस दौरान मुख्यमंत्री के आवास पर कोई नहीं था, इसलिए कोई बड़ा जानी नुकसान नहीं हुआ। हालात खराब होने के बाद राज्य में 2 दिन का कर्फ्यू लगा दिया गया है। राज्य के कई इलाकों से हिंसा और आगजनी की खबरों के बाद मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। जिन इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद किया गया है उनमें ईस्ट खासी हिल्स, वेस्ट खासी हिल्स, साउथ वेस्ट खासी हिल्स और री भोई जिले शामिल हैं। शिलांग के जाओ इलाके में रविवार दोपहर को अज्ञात लोगों ने माकिन रोह पुलिस चौकी के एक पुलिस वाहन को भी आग के हवाले कर दिया। शिलांग में कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है और असम के एक वाहन और उसके ड्राइवर पर भी हमला किया गया है। असम पुलिस के स्पेशल डीजीपी जीपी सिंह ने राज्य के लोगों से अपील की है कि जब तक शिलांग में कर्फ्यू है असम से लोग वहां न जाएं। हिंसा की घटनाएं एक पूर्व बागी नेता थांग सिखू की मौत के बाद शुरू हुई। हिंसा बढ़ने के बाद राज्य के गृह मंत्री लखमेन ने इस्तीफा दे दिया है। लखमेन ने कहा था कि थांग सिखू के आवास पर पुलिस की छापेमारी के बाद उनकी हत्या की गई है। उन्होंने इस्तीफे के बाद पत्र में इस मामले की न्यायिक जांच कराने और इस घटना की हकीकत सामने लाने की भी मांग की है। थांग सिखू के परिजनों ने भी आरोप लगाया है कि थांग सिखू की हत्या की गई है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच कराएगी। जब थांग सिखू की अंतिम यात्रा निकल रही थी तो सैकड़ों लोग काले कपड़ों और काले झंडों के साथ शामिल हुए थे। इस दौरान लोगों ने थांग सिखू की मौत को लेकर पुलिस और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। पुलिस का कहना है कि उसे थांग सिखू पर गोली खुद के बचाव में चलानी पड़ी क्योंकि उसने चाकू से पुलिसकर्मियों पर हमला कर दिया था। पुलिस ने थांग सिखू के घर पर एक बम धमाके के मामले में 13 अगस्त को छापेमारी की थी। थांग सिखू ने 2018 में आत्मसमर्पण कर दिया था। आपको बता दें कि पिछले महीने ही असम और मिजोरम के 2 सीमाई जिलों के लोगों के बीच हिंसा भड़क गई थी जिसमें जमकर गोलियां और लाठियां चलाई गई थी। इसमें 7 लोगों की मौत हो गई थी और 45 लोग घायल हो गए थे। मारे गए लोगों में से 6 पुलिस अफसर भी उसमें शामिल थे। मिजोरम की पुलिस ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और 6 शीर्ष पुलिस अफसरों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी थी, लेकिन बाद में केंद्रीय गृह मंत्रालय के मामले को सुलझाने के बाद दोनों राज्यों के बीच मामला सुलझ गया था। लगातार पूर्वोत्तर से हिंसक की खबरें सामने आ रही हैं। कभी असम और मिजोरम में हिंसा हुई तो अब मेघालय में जबरदस्त हिंसा भड़क गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिलर टाइम्स। मिलर टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपए और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपए। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।